सुबह के बज रहे हैं 7 और हम मेरे सुबह की चाय और रंजू की हो रही है जाने की तैयारी। यहाँ पर रंजू हो चुकी है तैयार। बस रंजू हेलो, कैसा फील हो रहा है तेरे को? आज जा रही है तो बहुत बहुत खुश कितने हो रही है, बहुत खुशी हो रही बहुत खुशी हो रही है कि घर जा रही है बहुत खुशी हो रही है इसको अपने पतिदेव से मिलेगी आज। पतिदेव आप बेचैन बैठे हैं इसके। मजाक कर रही हूँ, हाँ सीरियस मत लेना कोई भी। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों, शुभ संध्या। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार प्यार पहला, मेरा नाम है ममता, मेरे चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ये देखो सुबह से ही और यहाँ पर हम पीने चाय और रंजू की हो रही है जाने की तैयारी। तो मैं चाय पी के फटाफट से इन्होंने सब्जी बना दी है तो मैं रोटी बना देती हूँ। खाने की इच्छा तो होती है नहीं, लेकिन इसको दवाई खानी है इसलिए। खाने की इच्छा तो होती है नहीं, हमें तो नहीं हो रही, इसको हो रही है तो इसके लिए बना रही। ये खुशी के मारे डांस भी करने लग गई है और रो भी रही है जस्ट। और सालों के लिए मौसी को रोना आ रहा है, लेकिन ये है कि भाव नहीं खा रही है तो यहाँ पे ना रंजू जो सानू को तो पैसे मिल गए यार। अब प्यार कर मौसी ओ माय गॉड, सुबह सुबह पैसे मिल गए इसको। ये लालची देखो, लालची जैसे पैसे दिए ना वैसे ही प्यार कर रही है, पहले नहीं आ रही थी। शुरू हो गए क्या से क्या से। ओ माय गॉड बच्चा। अभी गाड़ी आ जाएगी फिर भागा भाग होगी। नहीं, दूध गर्म करके भी रख लिया। और यहाँ पर स्वामी जी द्वारा बनाई गई सब्जी देखते हैं हम कैसे बना रखी है इन्होंने। और बर्तन तो ऐसे फैला देते हैं। और ये है स्वामी जी द्वारा बनाई गई सब्जी, दिखने में तो अच्छी दिख रही है लेकिन खा के पता चलेगा। वो ये है आलू बैगन की सब्जी जो कि लोहे की कढ़ाई में ही टेस्टी होती है। बाकी हम बना लेते हैं अभी, बस रंजू के लिए रोटी, हमारे लिए बाद में बनाएंगे ना। अरे भूमि चट जल में यहाँ पर हमारा कोई ख़त्म हुए तो इसलिए ऐसा टीका लगाते हैं यहाँ पर ये, और खाली चावल चिपकाते हैं। लो बाप रे, इतनी जोर से देखो देखो कैसे रो रही है। तो पापा के लिए रो रही है, मौसी के लिए? तो ना पापा के साथ जाना है। ये संजू चली गई है इतने दिन रहने के बाद, अच्छा नहीं लग रहा अब ना। मौसी की याद आ रही है ना। तो रंजू यहाँ होती थी तो बहुत हेल्प हो जाता था, अच्छा भी लगता था। बहुत टाइम की बात भी आई थी, लेकिन अब अच्छा नहीं लग रहा है ना। तो यहाँ भैया आए हैं सूप देने के लिए, तो हम दे रहे हैं ये वाली सूप। ये तो भैया दे रहे हैं ये हमें। भैया कहाँ से आए हो आप? खटीमा से। खटीमा से आए हो? ये 150 रुपये सूट लाए हैं भैया, ये हैं 150 के, बड़े अच्छे हैं, मतलब कम गर्मियों के लिए अच्छे हैं, मतलब हल्के फुल्के, ठंडों के लायक नहीं है, मतलब गर्मियों के लिए। उसमें दिखाना कैसे हैं? अच्छा, इसमें तो एक कॉटन टाइप का वाला है ना, ऐसा वाला इसका कलर तो नहीं जाएगा? नहीं, कलर नहीं जाएगा। ये कितने रुपए वाला है?
ये वाला 300 रुपए का पड़ेगा, हाँ। ये 200 रुपए का पड़ेगा, ये 200 रुपए का पड़ेगा मैचिंग वाले। अच्छा ये अच्छा हाँ क्या कर दिया 200 रुपए में सूट बोल दिया। कलर तो नहीं जाएगा ना भैया इसका, कौन से वाले का, 200 वाले का तो फुसरा अजीब दिखता कलर जाके तो 200 रुपए में तो वो ये फिर 320 ले लिए है दो सूट। ये है 150 का, पहले मैंने लिया था 180 का, लेकिन इस बार सही पड़ गया, 150 में मिल गया। 3 मीटर अर्ज बहुत होता है इसमें। गाइस 150 रुपए में सूट ले लो बोल ऐसे मत बोलना। हेलो गाइस सूट ले लो सूट बोल, अंकल के यहाँ से सूट ले लो, सूट बोल। तो इस देना यहाँ से भैया के यहाँ से छीन ले। बोले लग गई है अपना, अच्छे से बोल कह रही हूँ, ऐसे नहीं बोलते। अब दे दे अंकल जा रहे। हाँ हाँ तेरे लिए गिफ्ट ला देंगे, वो दोबारा आएगी। मेरे लिए है ये दोनों सूट, इसका मैं बनाऊंगी कुर्ती एंड प्लाजो। तो ना ये गर्मियों के लिए बहुत अच्छे हो रहे हैं, बिल्कुल कंफर्टेबल थी पहले तो बहुत कंफर्टेबल हो रहा है मेरे को, ये सूट ही पहनने का मन करता है आजकल, तो इसलिए मैंने दो और रख लिए हैं। तो इसका भी मैं वही बनाऊंगी कुर्ती और प्लाजो। ये वाला कलर भी अच्छा लग रहा है, हल्का कलर है, ये भी पिंक है, अच्छा है। कट रहे हैं गेहूँ, कंपेयर लगा है, लेकिन धूल इतनी आ रही है, इतनी आ रही है क्या ही बताएं। मतलब सामने जो होगा ना, जो बंदा, मैं इतनी दूर हूँ, यहाँ इतनी धूल उड़ रही है। और वहाँ पर खड़ी है ट्रैक्टर ट्राली, के बाद ट्रैक्टर में ऐसे झाला जा रही हूँ। हेलो दोस्तों, देख सकते हो शाम के बज रहे हैं, रात के बज रहे हैं, 8 बज रहे हैं, और यहाँ पर पतिदेव सब्जी वब्जी बनाने के बाद यहाँ पर गूंद रहे हैं आटा, और मैं करवा रही हूँ सानू को होमवर्क, सानू को होमवर्क करा रही हूँ। और अंगूर, हेलो गाइस मेरी मम्मा अंगूर खिला रही है, हेलो गाइस मेरी मम्मा अंगूर खिला रही है। दीदी कैसे बोलती, तू भी बोल तो। अच्छा लग रहा है बिल्कुल भी दोस्त। हाँ। पहले दोस्तों को पूछो ना, हेलो गाइस मेरा हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है। हाय फ्रेंड, दोस्तों मेरा हाय स्टाइल कैसा लग रहा है, दिखा भी दो अपना हेयर स्टाइल। हाथ लगा के दिखा। अरे पैर कैसे दो, ये देखो मेरी किताब लेके आई, और ये देखो ये, और ये देखो ये। तेरे इसमें कपड़ा बचेगा तो शाम का भी ऐसा ही बना देना ना। पया 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 मैं करा रही हूँ सानू को होमवर्क, और ये देखो कैसे लिखा है इसने, एक भी अच्छा नहीं लिखा है, अच्छा लिख के दिखा दे। बड़ा सुन, हाँ चल लिख फिर, ऊपर से लाइन मारो।